हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आप देख सकते हैं आज गणेश चतुर्थी के दिन हम अपने गणेशा जी की स्थापना कर रहे हैं। और देखिए हम एक मिट्टी के गणेशा जी लेके आए हैं जो कि इको फ्रेंडली है। और आप सब भी अगर लाएं तो मिट्टी के ही गणेशा जी लेके आएं जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। और अब हम स्थापना कर रहे हैं अपने गणेशा जी की और गंगा जल और पानी मिक्स करके उससे शुद्धिकरण कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, क्योंकि हमारे गणेशा जी मिट्टी के हैं। अगर आपके गणेशा जी पीतल के या चांदी के हों तो आप उनको पानी में गंगा जल डाल के अच्छे से स्नान भी करा सकते हैं। और ये स्नान के लिए हमने अशोका का पत्ता इस्तेमाल किया है। आप आम के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अब हम कलश की स्थापना कर रहे हैं। कलश में भी हमने अशोका के पत्ते डाले हैं और पानी भरा है, उसमें थोड़ा गंगा जल डाला है और उसमें एक हल्दी की गांठ और एक कॉइन भी डाला है। और उसके ऊपर हमने चावल से भरा हुआ एक कटोरी रखी है और उसके ऊपर हमने नारियल की जगह सूखा खोपा रख दिया है। हमारे पास ये अवेलेबल था, वैसे आप नारियल रख सकते हैं। हमने सूखा खोपा यूज़ कर लिया है क्योंकि हमारे पास ये रखा हुआ था घर पे। और ये देखिए अब हम गणेशा जी को फूल अर्पित करते हैं और गणेशा जी को भोग रखा और उनकी आरती के लिए दिया जलाया। और देखिए हमने पेठे से गणेशा जी को भोग लगाया है। जो भी कुछ आपके पास मिठाई अवेलेबल हो उससे आप गणेशा जी को भोग लगा सकते हैं। गणेशा जी के साथ हमने रिद्धि सिद्धि की भी स्थापना करी है। ये देखिए हमने दो कॉइन लेकर गणेशा जी के दोनों तरफ रखे हैं और कुछ चावल डाले हैं जो रिद्धि सिद्धि का रूप है, जो घर में सुख समृद्धि लाते हैं। दोस्तों हमने अनंत चतुर्दशी तक गणेशा जी को अपने घर रखने के लिए गणेशा जी के सामने बोला है। और जितने दिन भी आपको गणेशा जी को रखना है, एक दिन, तीन दिन, पाँच दिन और फिर उसका विसर्जन करना है, तो उतने दिन के लिए आप पहले दिन स्थापना वाले दिन ही आप पूजा में बोल सकते हैं कि हम आपको इतने दिन अपने घर में स्थापित करेंगे और फिर उसके बाद उनका विसर्जन कर सकते हैं। और अलग अलग दिन आप अलग अलग भोग लगा सकते हैं गणेशा जी को। जैसे कि आपको पता है गणेशा जी को लड्डू और मोदक प्रिय होते हैं, आप हर रोज़ सुबह शाम उनको अलग अलग तरह के भोग लगा सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं।